हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है इंडस टावर, जिसके हम टेक्निकल फंडामेंटल्स एज वेल एज फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि वो मार्केट में आए, सीखे, सीखने के बाद अच्छा खासा मार्केट में पैसा बनता है, ये लोग आप भी जानते हैं। और यहाँ पर प्ले लिस्ट दे रखी है, प्ले लिस्ट में एक एक वीडियो को देखिए, अच्छी खासी नॉलेज होती हुई दिखाई देगी। और अभी एक रिसेंट यहाँ पर IPO से आने वाला है, 19 को शायद वो IPO आ सकता है। और अगर बात करें यहाँ पर एक शेयर को फायदा होगा, जिसके टारगेट की बात करें 6600 रुपए। बाकी और वीडियोस भी यहाँ बनाई गई है, इन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा, आपका अच्छा खासा यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा, एज नॉलेज एज वेल एज अगर शेयर में भी काफी दम है। तो आइए बात करते हैं वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं उसका नाम है इंडस टावर लिमिटेड। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 12 साल में इस शेयर ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, सॉरी 9 साल में बात करें तो केवल 22% के रिटर्न है। बट अगर बात करें अभी गेम थोड़ा सा चेंज हो गया है, वन डे का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, फ्लैट है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न गिरावट है, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न गिरावट है, ईयर टिल डेट गिरावट है, 1 ईयर की बात करें कुछ खास रिटर्न नहीं दिए है और मैक्सिमम भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शेयर, तो इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए 52 वीक लो 162 रुपीज, 52 वीक हाई 282 रुपीज, जो कि 25 फेब को ही लगता है वो दिखाई दिया था, अब 234 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगर बात करें ट्रेड क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पर देखिए 45% के शेयर डिलीवरी बेसिस पर, लगभग 10,33,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है जल्दी। अगर इसके अलावा बात करें यहाँ पर डिविडेंड देखिए, कहाँ 3 रुपए 2 रुपए दिया जाता था 2019 में 2020 में, और इस बार की अगर डिविडेंड देखे तो 17 रुपए 82 पैसे का डिविडेंड है। तो इतना बड़ा अंतर आया है, तो कुछ ना कुछ तो इस स्टॉक में हुआ होगा, जो कि हम आगे बात करेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर इस शेयर की, तो देखिए 69% के आसपास के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, उसमें से 40% के शेयर यहाँ पर गिर भी है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि कैसे गिर भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गिरावट नहीं थी। बट अभी अगर दिसंबर से बात करें तो दिसंबर में इस कंपनी में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दिए, और वो चेंजेस क्या हुए तो उस चेंजेस से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप हम न्यूज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे भारती इंफ्राटेल एंड इंडस टावर मर्ज कंप्लीटली, वोडा आइडिया सेल्स इंडस स्टेक फॉर 3760 करोड़। अगर बात करें यहाँ पर एक मर्जर हुआ था इंडस टावर और भारती इंफ्रा का, ओके, जिसकी वजह से अगर हम बात करें यहाँ पर सारी की सारी एंटिटी, तो यहाँ पर अगर बात करें एसेट यहाँ पर एड ऑन होती हुई दिखाई दी, बट उसके साथ साथ प्लेजिंग भी यहाँ पर एड ऑन होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लगभग 40.26% की यहाँ पर प्लेज भी यहाँ पर इसी टाइम यहाँ पर मर्जर हुआ था, तो इसी टाइम यहाँ पर ये एड होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर, मतलब दिसंबर में यहाँ पर ये सब चीज नवंबर में होता हुआ दिखाई दिया था, तो अभी यहाँ पर आपको दिसंबर से यहाँ पर अगर देखे क्वार्टर से यहाँ पर प्लेजिंग आती हुई दिखाई दी है। बट जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं शेयर से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उस फैक्ट्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर देखें तो इंडस टावर यहाँ पर मार्केट कैपिटल की बात करें तो लार्ज कैप दिखाई दे रहा है, 63,000 करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटल, P16 के PE पे ROCE 20 के लगभग, डेट की बात करें डेट बहुत ज्यादा है, प्लेजिंग की बात करें 40% की प्लेजिंग है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ऑल टाइम हाई भी हम देख सके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी करती क्या है। सबसे पहले इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर आलिया सेटिंग अप ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर, मतलब आप जो टावर दिखाई देते हैं आपको टेलीकॉम टावर, उसमें जो मोस्टली टावर होते हैं वो इन्हीं कंपनी के होते हैं। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं प्रेजेंटली द कंपनी हैज ओवर 1,75,000 टावर, मतलब 175,000 टावर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 3,18,300 लोकेशन पे एंड नेशनल वाइड प्रेजेंस कवरिंग ऑल 22 टेलीकॉम सर्विस, मतलब पूरे इंडिया में यहाँ पर ये टावर दिखाई देते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर ये चाइना को अगर हम छोड़ देते हैं तो पूरी दुनिया में यहाँ पर ये पहले नंबर पे आता है, और चाइना को छोड़ के मिला के अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे ये कंपनी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इट हैज अ टावर मार्केट शेयर ऑफ 31%, मगर इंडिया की बात करें तो 31%
के शेयर मतलब टावर जो लगे हुए, अगर 100 टावर में से अगर बात करें 31 टावर तो इसी कंपनी के लगे हुए हैं, एंड टेनेंसी मार्केट शेयर ऑफ 42%। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि ये जो दूसरे जो टावर, एक टावर में देखिए एक ही नहीं, कभी कभी आपने सुना होगा कि यहाँ पर वोडाफोन ने जियो को दे दिया है कि हाँ आप हमारा टावर यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक ही टावर पे दो या तीन अलग अलग कंपनी के जो फ्रीक्वेंसी रेडियो या जो भी आप कहेंगे वो लगते हुए नजर आते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेनेंसी। मतलब एक ही टावर में को दो तीन ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें तो इस कंपनी को तो अच्छा खासा पैसा मिल ही रहा है, और उसमें कितना 42% शेयर इसी कंपनी ने ले रखा है। तो मतलब सारे के सारे जितने भी टेलीकॉम है, चाहे जियो की बात करो, एयरटेल की बात करो, वोडाफोन की बात करो, या और दूसरे जो भी टेलीकॉम सर्विसेज है, सारे के सारे मोस्टली इसके यूज करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ फंडा और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेयर यहाँ पर 2018 से सेल्स अगर 12 क्वार्टर की बात करें 1697-1701 ही रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था, बट यहाँ पर दिसंबर और मार्च में यहाँ पर सब चीज चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। और अभी अगर बात करें तो यहाँ पर बढ़त नजर आ रही है, पहले दिसंबर में 4061, फिर उसके बाद 6492। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मर्जर हुआ है ना उससे यहाँ पर इनकी सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जो कि लगभग सेम चल रहा था उसमें इंक्रीमेंट हो गया है, और बात करें नेट प्रॉफिट की तो जो कि 638 करोड़ रुपीज से लेके धीरे धीरे यहाँ पर अब बात करें तो यहाँ पर बढ़ना दोबारा शुरू हो गया 1364 करोड़ रुपए। तो अभी जो पूरी काया है, देखिए यहाँ पर सेल्स बढ़ गई है मर्जर की वजह से, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, बट अगर जो नहीं बढ़ा है वो है शेयर का प्राइस। अगर 6 महीने ईयर की हम बात कर ले तो शेयर का प्राइस अभी भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 साल में देख लीजिए, तो 1 साल में शेयर प्राइस यहाँ पर बस केवल इतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि खास नहीं बढ़ा है, बट सेल्स नेट प्रॉफिट की बात करें वो दुगना हो गया है। तो यहाँ पर अब ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा, प्लस में यहाँ पर ऑपरेटर जो रोल निभाएंगे ना वो अभी आप देखना। अगर हम यहाँ पर बात करें सेल्स की, तो सेल्स यहाँ पर देख लीजिए लगभग डबल यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आई है, मार्च में 6743 थी, यहाँ पर मर्जर हो गया उसकी वजह से पर सेल्स ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जो कि अब इसी तरीके की आपको सेल्स आती हुई दिखाई देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए कोई अगर एक टाइम का खाना खाए या ना खाए बट नेट तो जरूर यूज करता होगा। अगर हम बात करें नेट किस तरीके से यूज किया जाता है, फोन किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो फोन ये चीजें बंद नहीं होने वाली, ये ऑन गोइंग चीजें है, ओके हमेशा चलने वाली चीजें है, क्योंकि इसी में अगर बात करें जियो ने कितना पैसा कमाया है, तो अगर इतने सारे टावर है तो इस कंपनी को कभी घाटा नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पर बता भी रहा है कि पिछले 12 क्वार्टर में घाटा नहीं हुआ है यहाँ पर, चाहे लॉकडाउन था, और अगर बात करें ईयरली वाइज तो यहाँ पर कभी भी कंपनी को घाटा नहीं हुआ, हमेशा प्रॉफिट में चल रहा है। और ये प्रॉफिट 253 करोड़ का प्रॉफिट अगर बात करें, पहले 3299 अब 3780 करोड़ के आसपास है, मतलब कंटिन्यूटी ही यहाँ पर प्रॉफिट में ही बनी हुई है। तो ये चीज बताती है कि ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ सकती है। रिजर्व्स की बातें करें तो रिजर्व्स यहाँ आप देख सकते हैं, रिजर्व्स यहाँ पर अभी बढ़ते हुए दिखाई दिए, आपको पता ही है यहाँ पर शेयर कैपिटल क्यों बढ़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर। यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें इसी वजह से यहाँ पर रिजर्व्स भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 13182 करोड़ का रिजर्व्स। बोरिंग की बात करें, बोरिंग भी साथ में आई है, जो कि हमने 40% के शेयर यहाँ पर प्लेजिंग होते हुए दिखाई दिए, बट इनके पास इतना सारा पैसा है, बात करें 13,000 करोड़ ये है, 2695 करोड़ ये है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कैश फ्लो की, इतना पैसा यहाँ पर भी है, तो अगर ये चाहे तो अपने बोरिंग को चुका सकते हैं, बट बोरिंग चुका लो एक ही बात है, या तो बोरिंग को एक साथ चुका दो, तो वहां से अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे थे, 600-700 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे थे, ये फायदा हो जाएगा, या फिर यहाँ पर बोरिंग की वजह से यहाँ पर जितने टावर है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दो, तो वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर उसके थ्रू मिलता हुआ नजर आएगा, और ये चीजें कभी रुकने नहीं वाली, आपको भी पता है। फिक्स एसेट देखिए, फिक्स एसेट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में हमेशा पैसा लगा ही रहता है, तो ये सारी चीजें बताती है कि यहाँ पर अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। कैश फ्लो इतना कैश इक्विवेलेंट 14 करोड़ का ही आसपास। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 69.85% की होल्डिंग है, जो कि अभी अगर देखें भारतीय एयरटेल के पास लगभग 23% की हिस्सेदारी है, वोडाफोन के पास भी है 3% की हिस्सेदारी, वोडाफोन ने थोड़ी बहुत यहाँ पर दिसंबर में बेची भी थी। FIS की होल्डिंग की बात करें, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। DIS की बात करें, यहाँ पर 2.43% की हिस्सेदारी है, और सबसे मेन बात जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक के पास यहाँ पर हिस्सेदारी कंटिन्यू कम होती हुई नजर आई है, 1.27, 1.16% पॉइंट में आ गई यहाँ पर 0.97,
और अभी बात कर रहे हैं तो 0.64% है, और 0.464% का मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब है कि ऑपरेटर इस शेयर मतलब मार्केट में कितने शेयर है, केवल थोड़े से ही शेयर है, और ऑपरेटर जब भी चाहे कोई बड़ा ऑपरेटर यहाँ पर आ जाए तो इसे शेयर को कितना भी चाहे उतना मैनिपुलेट कर सकता है, जितना चाहे उतना ऊपर बढ़ा सकता है, जितना चाहे नीचे गिरा सकता है, क्योंकि मार्केट में शेयर यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। कितने शेयर यहाँ पर अवेलेबल है इस चीज को अगर हम देखते हैं तो केवल थोड़े से शेयर, 22 लाख, 24 लाख, 25 लाख यहाँ पर शेयर, और इतना बड़े बड़े ऑपरेटर होते ही है कि वो ऐसे इस चीज को मैनुपुलेट कर ही लेते हैं। और जब इस तरीके के मैनुपुलेट करेंगे तो ये जो शेयर है जो कि अच्छे खासे प्राइस पे, जो टेक्निकल के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो केवल 32 के RSI पे मिल रहा है सबसे पहले। और जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, या तो RSI नीचे आ जाए तब हमें शेयर को खरीदना है, जिसके अगर और जो अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल हमारे साथ दे कि जो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताती है कि आपको शेयर खरीदना है। बाकी अगर 200 DMA के नीचे शेयर मिल जाए तो समझ लीजिए अच्छे खासे यहाँ पर गेन मिलता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब यहाँ पर एंटिटी मर्ज होने के बाद यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म करना और अच्छा कर दिया है, बट यहाँ पर शेयर प्राइस गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब शेयर प्राइस को बढ़ना है, गिरना नहीं है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसके हिसाब से अगर हम टेक्निकल के बेस पर भी अगर कुछ बातें करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे चार्ट पैटर्न अलग अलग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी एक रिसेंटली चार्ट पैटर्न की अगर हम बात कर ले तो देखिए एक यहाँ पर कप बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरीके से जब शेयर जाएगा तो यहाँ पर देखिए 258 तक तो जाना ही जाना है, जो कि इसका अभी अभी ही रिसेंट हाई था अगर बात करें यहाँ से अभी तो। यहाँ पर कितना परसेंट के यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर हटा देते हैं, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, तो ये आपको रिटर्न तो मिलना ही मिलना है जो कि 10% के रिटर्न है। और फिर इसके बाद जब इसके रिटर्न मिलेंगे तो ये दोबारा अगर बात करें 10% यहाँ और ऊपर जाता हुआ फिर दोबारा दिखाई दे रहा है, और ऑपरेटर एक बार चलाना शुरू करेंगे तो 300-350 रुपये तक भी ये शेयर को ईजी ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई के लगभग 282 रुपीज के आसपास। तो इस चीज को समझ के थोड़ा सा काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमा सकते हैं, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेनी है, तो यहाँ पर 21% के यहाँ पर गेन मिल सकते हैं। बाकी ऑपरेटर इससे जितना चाहे उतना खेल सकता है, क्योंकि मार्केट में शेयर है ही नहीं। मार्केट में शेयर कितने हैं, केवल और केवल कुछ परसेंट के यहाँ पर शेयर बचे हुए हैं, 0.64% के शेयर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।